जो पुण्य करता है, जो श्रेय मार्ग पर चलता है, उसे सुख मिलता है। क्या हम सब पुण्य करते हैं या श्रेय मार्ग पर चलते हैं? हम पुण्य कार्य तो करते हैं, लेकिन अधिकतम हमारे जीवन में क्या है यह हम आत्मनिरीक्षण करें। सुख चाहई धर्म न मूढ़ रता, तुलसीदास जी ने लिखा है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, सुख चाहई धर्म न मूढ़ रता। व्यक्ति सुख तो चाहता है लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, और जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में सुख है। इसलिए श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतरम्, कठोपनिषद कहता है कि व्यक्ति अपना सुख अपना कल्याण चाहता है लेकिन कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता है, कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त नहीं होता है। अरे कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, कोई मंजिल कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो पहले मार्ग पर चलना तो पड़ेगा ना। आप लोग सब इतने दूर से कथा सुनने आए हो, अब आप घर पे ही बैठे सोचो कि हमें कथा सुननी है कथा सुननी है कथा सुननी है, संभव है घर बैठे कथा सुन सकते हैं? नहीं। कथा का लाभ लेना है तो घर से चलकर पांडाल तक आना पड़ेगा, मंजिल पर आने के लिए मार्ग में चलना पड़ेगा। तो जीवन में सुख चाहिए तो धर्म करना होगा, और धर्म क्या है? जो बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है, भगवान की भक्ति ही परम धर्म है।